आज चर्चा का विषय है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वैसे ये नाम चर्चा में 2014 से ही है। क्रिकेट के प्रेमी हैं, वो सारे लोग बहुत खुश हैं, भारत की उपलब्धि पर खुश हैं। इस बात को लेकर विवाद हो गया कि प्रसार भारती और समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपने ट्वीट में सरदार पटेल स्टेडियम के उद्घाटन की बात लिखी है। वहीं से नरेंद्र भाई ने गुजरात में दोनों की चीजों की शुरुआत। इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस स्टेडियम को 5 साल में 800 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा बनाया गया है। तीसरा टेस्ट शुरू होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया। गुजरात के अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इसके साथ ही स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने की वजह से विवाद भी खड़ा हो गया है। इससे पहले इसे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा के नाम से जाना जाता था। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति ने गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरण रिजिजू समेत कई विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में स्टेडियम का उद्घाटन किया। शाह ने उद्घाटन के बाद कहा, हमने इसका नामकरण देश के प्रधानमंत्री के नाम पर करने का फैसला किया है। यह मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कई बार उन्होंने गुजरात के मंत्रिमंडल में कहा कि गुजरातियों को दो चीजों में आगे बढ़ना चाहिए, सब चीज में हम आगे हैं, दो चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, एक स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। सेना में भर्ती का कोटा भी हमारा खाली रह जाता था और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी गुजराती कहीं दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी ढूंढो दिखाई नहीं पड़ते थे। वहीं से नरेंद्र भाई ने गुजरात में दोनों की चीजों की शुरुआत की। जब स्टेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने हम सबके सामने कहा था, छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने के साथ ही वहां दो पेविलियन का नाम रिलायंस एंड और अडानी एंड रखा गया है। इसे लेकर विपक्षी दल जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया और लिखा, सच कितनी खूबी से सामने आता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अडानी एंड, रिलायंस एंड, जय शाह की अध्यक्षता में, हम दो हमारे दो। CPIM नेता सीताराम येचुरी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया और लिखा, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये इसके दो एंड्स हैं और ये क्रोनीज की पारी हो रही है। अहमदाबाद में बने नए नवेले क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखने के बाद से इस पर विवाद हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि स्टेडियम का नाम पहले सरदार पटेल स्टेडियम था, जिसे बदलकर अब नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया है और इसे सरदार पटेल के अपमान के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से सफाई दी है कि सिर्फ मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला गया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का नाम अब भी सरदार पटेल के नाम पर ही है। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला है, वो परिसर वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल ही है। एक मिनट, क्या आज तक सोनिया जी और राहुल गांधी ने केवड़िया में जो दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है उसकी तारीफ की है क्या? गए भी हैं क्या? इस बात को मैं पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं, जो आज दुनिया में भारत का एक जबरदस्त पर्यटन स्थल बन रहा है, आप लोग भी गए हैं, अभी तक ना वो गए हैं ना उसकी प्रशंसा की है, इससे अधिक और क्या कहा जाए। किसी प्रधानमंत्री के नाम पर किसी जगह या स्टेडियम या किसी एयरपोर्ट का नाम रखना ये पहले भी होता आया है, पर अजीब बात यह है कि नरेंद्र मोदी अभी भी प्रधानमंत्री हैं और उनके नाम पे ये स्टेडियम थोड़ा अजीब है। स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए और कुछ अहम जानकारी भी दी। नए स्टेडियम का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया और नए नाम की शिला पट्टिका का लोकार्पण
गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। इस मौके पर बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी मौजूद थे। इस बात को लेकर विवाद हो गया कि प्रसार भारती और समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपने ट्वीट में सरदार पटेल स्टेडियम के उद्घाटन की बात लिखी है। इन सब के डिटेल में जाने से क्या लाभ, डिटेल कहीं और आपका इंतजार कर रहे हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम से हैरान हैं, उन्हें कम से कम मध्य प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पारस जैन को याद करना चाहिए, जिन्होंने मई 2014 में ही कहा था कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। तब 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं कि कुछ राज्य अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में नरेंद्र मोदी के जीवन संघर्ष को शामिल करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि जीवित व्यक्ति के जीवन संघर्ष को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मोदी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाए और गोदी मीडिया में मोदी जी की तारीफ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मीडिया ने इसको लेकर खबर तो दिखाई ही, लेकिन साथ ही खूब तारीफ भी की। आज सोशल मीडिया पर दिन भर ये बहस चलती रही कि क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा जाना कितना सही है। बहुत से लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया, जबकि कई लोग इसके खिलाफ नजर आए। ज्यादातर जो देश के लोग हैं, जो आम लोग हैं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो खेल प्रेमी हैं, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, वो सारे लोग बहुत खुश हैं, भारत की उपलब्धि पर खुश हैं। और हर भारतीय जो इस देश को प्यार करता है, उसे आज बड़ा फख्र होगा कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब मौजूद है। आज चर्चा का विषय है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वैसे ये नाम चर्चा में 2014 से ही है, लेकिन कल गुजरात में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर जैसे ही उस नाम का ऐलान हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वैसे ही घमासान शुरू हो गया। ममता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें तो ये यकीन हो चला है कि एक अदद स्टेडियम का नामकरण होने से पूरे देश का नाम बदल जाएगा। वो ये कह रही हैं कि बीजेपी वाले देश का नाम ही बदल देंगे। देश में अभी भी कई समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई की मार और किसान आंदोलन। जगहों के नामकरण पर ध्यान देने की बजाय सरकार को इन मसलों को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए, तभी शायद देश असल में आत्मनिर्भर बन सकेगा। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.